So good morning to all my dear children. I once again welcome you all in today's English class children as you are all aware that what we are doing these days we had done the first video of unseen passage in the previous class and today's class in today's class we are going to do one more unseen passage that how do we solve unseen passage and the previous question of your examination we are going to discuss here.

जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब भी हम सॉल्व करते हैं पैसेजेस तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन रीड करना है ओके okay? क्या भी क्वेश्चन जो भी है जो भी पैसेज है सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है उससे क्या होता है थोड़ा हमारे दिमाग में उसकी कुछ क्वेश्चन होते हैं हमेशा हमारे दिमाग में रहते हैं और जब हम पैसेज के थ्रू चलते हैं जब पैसेज पढ़ते हैं मैं तो वो सारे क्वेश्चन जो है जैसे ही हमें उसके कुछ भी वर्ड्स मिलते हैं तो हमें तुरंत स्ट्राइक करता है दिमाग में ठीक है तो मैं बोलूंगी कि आप जब भी क्वेश्चन uh, करने जा रहे हो पैसेज के तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो पैसेज का ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू रीड राइट नाउ जो अभी हम रीड करेंगे सो so, क्या है हमारा पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन हाउ इज चाइल्ड हुड ओके हाउ इज चाइल्ड हुड नाउ नेक्स्ट इज वॉट इज द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग गुड पेरेंट्स गुड पेरेंट्स होने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं क्या क्या फ़ायदे हैं वॉट आर द ही वॉट आर द रिवॉर्ड्स ऑफ चाइल्ड मतलब चाइल्डहुड में जब बचपन में लोग होते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं ठीक है वॉट इज़ द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड नॉट परफेक्ट वाई इज़ द चाइल्ड ऑफ लाइफ नॉट परफेक्टली सो किसी भी चाइल्ड के बारे में जब हम मैसेज पढ़ेंगे तो ज़्यादा हमसे हमें क्लियर होगा कि वाई आर दीज क्वेश्चन रिटर्न किया ये सारे क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं यहाँ पर सो इस दमथिंग रियली इंपॉर्टेंट ओके तो क्यों जो चाइल्ड की लाइफ है वो परफेक्ट क्यों नहीं है

वैन दे आरफ्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू मेक लाइफ डिफ़िकल्ट ओके जब चाइल्ड हुड की जब बचपन में लोग होते हैं एक ऐसा टाइम है जब उन बच्चों पर कुछ रेस्पॉसिबिलिटीज़ होती है और दे आर फ्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू मेक लाइफ डिफ़िकल्टी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है बच्चों की कैसे इफ़ अ चाइल्ड हैज़ गुड पेरेंट्स अगर बच्चे के पास अच्छे पेरेंट्स है अच्छे माता पिता है देन क्या हो सकता है ही इज फैड लुक्ड आफ्टर एंड लव्ड वट एवर ही मे डू मतलब कि उसको खाना मिलेगा अगर अच्छे पेरेंट्स उसको अच्छे खाने मिलेंगे उसके उसको ध्यान से रखा जाएगा मतलब उसको उसकी देखभाल की जाएगी उसको प्यार मिलेगा कैसे प्यार जैसे कुछ बच्चे कुछ भी करते हैं तो मदर पे फादर से उसको पनिशमेंट मिलता है लेकिन अगर पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं तो जो भी वो करेगा उसमें उसको प्यार मिलेगा ठीक है ये बोला गया है अगर उसको गुड पेरेंट्स मिलते हैं तो इट इज़ इमप्रॉबल दैट ही विल एवर अगेन इन हिज लाइफ बी गिवन सच सो मच विदाउट हैविंग टू डू एनी थिंग इन रिटर्न मतलब बोला गया इमप्रॉबल है मतलब परफेक्ट नहीं है ऐसा नहीं बताया कि ऐसा हो ही जाएगा क्या दैट ही विल एवर अगेन जैसे कि ये कभी भी हिज लाइफ मतलब अपने जीवन में कभी भी ऐसा उसको मौका मिले सो मच हिज लाइफ बी गिवन सो मच विदाउट हैविंग टू डू एनी थिंग इन रिटर्न मतलब कि मतलब ये इम्प्रॉबिबल है कि, कि किसी भी बच्चे को वो ज़्यादा कम काम नहीं करे ज़्यादा कुछ करे नहीं लेकिन फिर भी इन रिटर्न में उसको बहुत कुछ मिल जाता है आपने बहुत कुछ देखा हो बहुत सारे बच्चों को वो कुछ करते नहीं लेकिन उनको इन रिटर्न उसको मदर से फादर से बहुत कुछ मिल जाता है, है ना so that is what it is saying here it is improbable that he will ever again in his life be given so much without having to do anything in return, he improbable hai theek hai next, in addition life is always presenting new things to, to the child, मतलब uh, बताया जा रहा है यहाँ पे अगर additional और अगर हम इसमें return uh, इसमें अगर हम add करते हैं तो और क्या क्या हो सकते हैं बच्चों की लाइफ में और क्या हमें uh, देखने मिलता है तो so, यहाँ पे बताया जाए इन एडिशन लाइफ इज ऑलवेज प्रेजेंटिंग न्यू थिंग्स टू द चाइल्ड मतलब कि लाइफ में न्यू न्यू थिंग्स ऐड होते जाती हैं बच्चों में ठीक है जैसे आप जितने बड़े होते जाओगे आप अपने बचपन को याद करोगे जब अपने चाइल्डहुड को याद करोगे तो आपको याद होगा क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपके पास नहीं थी बहुत कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो नहीं थी आपके ऊपर लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपने चाइल्डहुड को के टाइम को टाइम ड्यूरेशन को क्रॉस कर रहे होते तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में ऐड होते जाती हैं तो वैसे ही बताया गया है इन एडिशन लाइफ इज़ ऑलवेज प्रेजेंटिंग न्यू थिंग्स टू द चाइल्ड मतलब कि अगर और ऐड करते है इसमें, तो इसमें क्या है बच्चे को चाइल्ड को न्यू न्यू थिंग्स मिलते रहता है लाइफ में चाइल्ड फाइंड्स प्लेजर इन प्लेइंग इन द रेन और इन द स्नो आप सभी को पता होगा जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को रेन में बारिश के टाइम पे और जब स्नो होती है उसमें खेलना बहुत पसंद है बहुत प्लेजर उनको मिलता है बहुत ज्यादा खुशी खुशी मिलती है उनको तो ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं जब बच्चे रेन में बारिश में या फिर स्नो में खेलते हैं ओके आई टू लाइक सो यू ऑल्सो लाइक ठीक है वी ऑल लाइक दिस इज इट डेट इट इज़ हियर अबाउट चिल्ड्रेन ओके चिल्ड्रेन हु लव्स टू प्ले ऑल दीज थिंग्स जो इसको बहुत अच्छा लगता है ओके हिज फर्स्ट विजिट टू सी साइड इज़ अ मार्वलस एडवेंचर सो बच्चे जब पहली बार सी साइड देखते हैं समुद्र के किनारे जाते हैं तो वो उनके लिए मार्वलस एडवेंचर होता है मतलब कि उससे पहले उन्होंने देखा नहीं होता है ऐसे सी uh, साइड और ऐसे मार्वलस थिंग्स तो जब पहली बार वो देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं बट अ चाइल्ड हैज़ हिज पेंस तो अभी तक तो हमने बताया कि बच्चे को क्या क्या इन्जॉयमेंट मिलती है जब वो चाइल्ड हुड एज में होता है लेकिन इसके साथ साथ बच्चों की कुछ पेंस भी है कुछ तकलीफ़ें भी है क्या ही इज़ नॉट फ्री टू डू वॉट ही विशेज टू तो वो फ्री नहीं है जब वो जो भी करना चाहता है उसके लिए वो फ्री नहीं है लाइक like, सपोज़ आप आप अभी फ़ोन पे बात करना चाहते हो यू आर नॉट अलाउड टू डू ओके वाई सो क्योंकि हम हमें हमारे जब हम चाइल्डहुड में होते हैं जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत कुछ मना करते हैं करने को है ना सो इन द सेम वे बच्चे आ, समझते हैं कि ये उनके लिए पेन है है ना उनके लिए तकलीफ है वो चाहते हैं खेलना पेरेंट्स अलाउ नहीं करते ओके सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए उनको पनिशमेंट मिलता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके लिए उनको ना किया जाता है कि नहीं तुम नहीं कर सकते ऐसा बाय दे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स के थ्रू तो वैसे ही है यहाँ पे बताया गया है कि उसके कुछ पेरेंट्स कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी हैंज़ ही इज़ नॉट फ्री टू डू वॉट ही विशेज टू जो भी वो काम करना चाहता है उसके लिए वो अलाउड नहीं है जैसे ही इज़ कंटिन्यूली बींग टोल्ड नॉट टू डू थिंग्स और बीग पनिश्ड मतलब उसको बार बार बोला जाता है ये काम मत करो ये काम मत करो और उसको बार बार पनिश किया जाता है जैसे आ, आ, जैसे बच्चों को बोला जाता है तुम ज़्यादा चॉकलेट्स मत खाओ नहीं तो फिर डांट पड़ती है हमें जैसे आ, आप कहीं खेलने जा रहे हो तो मना किया जाता है कि अभी पढ़ने का टाइम है अभी नहीं खेलने जाओ सो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बच्चों जिसके लिए हमें पेरेंट्स के थ्रू मना किया जाता है okay which is uh, truly perfect from parent side like in Okay, i say perfect his life therefore not perfectly happy so we had read about perfect word you remember hmm? so now now we are going uh, to read the question once again and we'll find go to the answers as well okay so as i had told you in the

okay so now we'll move ahead and we'll see the answers of this and i want everybody to match your answer and let's see how many of your answers are correct okay so see i have already find out the answer so just uh, go through this and match your answer whether your answers are correct now one more ch uh, thing children it is not necessary that my answer as i have written here will as same as yours बिकॉज एवरीबडी हैज़ दे ओन वे टू राइट सोट डजेंट मैटर इफ़ सम वर्ड्स हैज़ नॉट बिन रिटर्न द सेम ओके जस्ट कुछ ऐसे वर्ड्स है जो कुछ सेम नहीं होंगे हो सकते हैं कुछ वर्ड्स हमारे डिफरेंट हो लेकिन टोटली डिपेंड करता है आपके थिंकिंग uh, पे कि हाउ यू हैव थॉट कैसे आपने आंसर लिखा है एंड वॉट ऑल योर अंडरस्टैंडिंग इज आपने क्वेश्चन को समझा या नहीं दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट राइट right? तो आपने क्वेश्चन को समझ के आंसर दिया है दैट इज इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन के वर्ड्स चेंज होने से कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है ओके ना लेट्स मूव अहेड एंड रीड द क्वेश्चन एंड आंसर बोथ हाउ इज़ चाइल्ड हुड चाइल्ड हुड क्या है पहला क्वेश्चन था हमारा सो चाइल्ड हुड इज़ अ टाइम वेन दे आर फ्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक लाइफ डिफिकल्ट द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके तो जो पहला लाइन था वही है इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग गुड पेरेंट्स बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमें है ना इफ अ चाइल्ड हैज़ गुड पेरेंट्स ही इज़ फैड लुक्ड आफ्टर एंड लव्ड वॉट एवर ही मे डू मतलब उसको अच्छी खाने मिलेंगी अच्छे लोग देखभाल करेंगे और वॉटवर वो करता है जो भी वो करता है उसके लिए उसको प्यार किया जाएगा इट वॉज़ द बेनिफिट्स ना नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वॉट आर द रिवॉर्ड्स ऑफ चाइल्ड हुड चाइल्ड हुड का रिवॉर्ड्स क्या है क्या क्या फ़ायदे हैं सो चाइल्ड हुड के क्या क्या फ़ायदे हैं हम अभी आगे बढ़ के देखेंगे ओके सो चाइल्ड हुड के क्या क्या रिवॉर्ड्स हैं बच्चों अ चाइल्ड फाइंड्स प्लेजर इन प्लेइंग इन द रेन और इन स्नो हिज फर्स्ट विजिट टू सी साइड इज अ मार्वलस एडवेंचर ये सारे रिवॉर्ड्स है बच्चों uh, के है ना ये जब वो स्नो में खेलते हैं जब वो रेन में खेलते हैं जब वो सी साइड के लिए जाते हैं दिज ऑल आर दे रिवॉर्ड्स नाउ लेट्स मूव अ हैड विद आर नेक्स्ट आंसर वाई इज द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड नॉट परफेक्टली हैप्पी सो वी हैड रेड इट एट द लास्ट लाइन सो ही इट कंटिन्यूसली बींग टोल्ड नॉट टू डू थिंग्स और बींग पनिश्ड हिज लाइफ देर फॉर नॉट परफेक्टली हैप्पी सो एक्चुअली वॉट एवर ही डांस जब भी वो कुछ भी काम करता है तो उसको डांटा जाता है जब भी वो uh, भी कुछ काम करता है उसको पनिश किया जाता है और उसको बोला जाता है ना करने को इसलिए बोला गया है कि बच्चों की लाइफ परफेक्टली हैप्पी नहीं है राइट चिल्ड्रन आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन एंड नाउ आई वांट यू ऑल टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन जितना हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों जिससे कि आपको सोल्यूशन uh, करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो और जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हमें हेल्पफुल होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ट्रैक करने में नाउ

अगर आई वॉन्स अगेन अ क्लाफ फॉर यू ऑल चिल्ड्रेन दोज हैव रियली डन वर्क हार्ड जिसने भी uh, सही बनाया है क्वेश्चन एंड दे हैव अंडरस्टूड कि कैसे आंसर हमें कर, uh, करना है सो यू ग्रेट क्लाफ फॉर यू ऑल चलो अब आगे पढ़ते हैं सो हमारा नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट होता है और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे नेक्स्ट पैसेज में सबसे पहले हम क्या रीड करेंगे क्वेश्चन राइट सो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम पहले एंड देन विल मूव अ ओके So here it starts. Uh, answer the following question. And what is the first question here? What is the most prominent form of life in a forest? What is the forest made up of? Who all are associated with trees and for what? What sentences with community and forest? Make sentences with community and forest. So here this is uh, from. Uh, आर क्वेश्चन वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर फ्राम द पैसेज ओके चिल्ड्रेन वेन एवर यू सी दैट इट इज़ गिवन लाइक यू विल हैव टू मेक सेंटेंसेस फ्राम एनी ऑफ द वर्ड्स जब भी सेंटेंस uh, बनाने बोल दे किसी भी वर्ड्स में से सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड वर्ड में uh, क्या आपसे पूछा जा रहा है और क्या वर्ड है और इसको खुद से आप वर्ड से सेंटेंस बनाओगे ठीक है आप हेल्प ले लो पैसेज से बट यू विल मेक देंटेंस बाई योर ओन कट इट ठीक है सो हमने क्या लिखा वॉट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइफ इन अ फॉरेस्ट नेक्स्ट बोला ये मैक्सिम ओके नेक्स्ट है फॉरेस्ट यानी हमें इससे पता चल रहा है कि वर्ल्ड जो फॉरेस्ट है ये जो हम अभी पैसेज पढ़ने जा रहे हैं इट इज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट इट इज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट ओनली सो लेट्स डू नॉट वेस्ट आर टाइम लेट्स मूव अ हैड विद आर पैसेज सो हियर आर पैस स्टार्ट्स विथ वेन मोस्ट ऑफ आस थिंक ऑफ फॉरेस्ट वी थिंक ऑफ ट्रीज मतलब अगर हम फॉरेस्ट को सोचते हैं कि फॉरेस्ट में कुछ लोग गए थे या फिर हमें फ़ारेस्ट में जाना है तो क्या आता है आपके दिमाग में पहला चीज़ आपके दिमाग में आता है बहुत सारी ट्रीज़ है ना बहुत लंबे लंबे ट्रीज़ और बहुत घने जंगल में बहुत सारी ट्रीज़ है है ना सो so, हम जब फॉरेस्ट की बात सुनते हैं तो उसमें क्या हमें समझ में आता है ट्रीज़ वो बिल्कुल सही बात है क्योंकि अभी तक तो हमने ट्रीज में ही देखा जितने भी जंगल होते हैं उसमें बहुत सारी ट्रीज़ होती है लेकिन इसमें कुछ और भी हमें जानने मिलेगा कि और क्या होता है फॉरेस्ट में सो लेट्स मूव अहेड ट्रू ट्रीज़ आर द मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइफ इन अ फॉरेस्ट प्रोमिनेंट मीन्स होता है मैक्सिमम ओके okay? मतलब uh, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने को मिलने वाला प्रोमिनेंट तो वहाँ पे बोलते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइफ इन अ फॉरेस्ट तो सबसे ज़्यादा अगर प्रोमिनेंट फॉर्म देखें तो क्या है वहाँ पे ट्रीज यानी ट्रीज से ही जंगल बनता है दैट इज़ ट्रू वो सही बात है लेकिन बट देर इज़ मच मोर टू अ फॉरेस्ट दैन द आई कैन सी मतलब कि अगर हमने फॉरेस्ट में ट्रीज़ को देखा है तो यहाँ पर बहुत कुछ है फॉरेस्ट में देखने को जो हमें आँखों से हमें दिख सकती हैं हमारी आंखों से हम बहुत कुछ देख सकते हैं फॉरेस्ट में क्या है ये चलो आगे पढ़ते हैं ईच फॉरेस्ट इज़ अ ग्रोइंग चेंजिंग कम्युनिटी मेड अप ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट इंटरैक्ट्स विथ ईच अदर इन वराइटी ऑफ वेज ओके सो हियर इट इज़ दैट ईच फॉरेस्ट इज़ अ ग्रोइंग जितने भी फॉरेस्ट है वो क्या है ग्रोइंग है मतलब बढ़ते जाते हैं चेंजिंग कम्युनिटी मतलब चेंज भी होते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं जो वहाँ पे डिफरेंट different... प्लांट्स है एनिमल्स है ये सभी इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ इन वैरायटी ऑफ वेज़ बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज से ये लोग इंटरेक्ट करते हैं जैसे आज जो आपने प्लांट देखा है दस सालों बाद आपको वो प्लांट ना दिखे हो सकता है प्लांट चेंज हो गया हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो सकता है कि डिफरेंट प्लांट आ चुका हो सो so, ये लोग क्या करते हैं ग्रो करते हैं चेंज करते हैं कम्यूनिटी अपनी प्लांट्स एनिमल्स एनिमल्स भी कंटिन्यू सेम एनिमल्स नहीं रहते वो चेंज करते रहते हैं और ये सभी इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ इन वराइटी ऑफ वेज़

और थाउजेंड्स ऑफ काइंडस ऑफ प्लान्स श्रॉप्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स शॉप्स हमें दिखने देखने मिलते हैं घने घने जंगल में बहुत सारे घने पौधे छोटे छोटे पौधे शर्ब्स वाइन्स मिलते हैं हमें देखने लीव्स मिलते हैं हमें देखने हर्ब्स मिलते हैं हर्ब्स यू अंडरस्टैंड जो हमें हर्ब्स लाइक छोटे छोटे प्लान्ट होते हैं जिसके तने बहुत ही नाजुक होते हैं ठीक है फर्स मिलते हैं हमें देखने सो हमें बहुत कुछ मिलता है फॉरेस्ट में देखने के लिए trees these use trees of for support for shade and for moisture to grow so these यानी कि these जो है ये trees के लिए use किया गया ठीक है trees plants ये सभी इन सभी के लिए use किया गया है so these so ये सभी क्या करते हैं ना sorry sorry children so these it refers to plants here these किसके लिए use किया गया है यहाँ पे plants so plants क्या करते हैं ना plants use करते हैं trees को ठीक है क्यों ये चीज को यूज़ करते हैं फॉर सपोर्ट फॉर शेड एंड फॉर मॉइस्चर टू ग्रो मतलब मॉइस्चर उसको नमी के लिए ठीक है ट्रीज़ का हेल्प कर ट्रीज़ का हेल्प लेते हैं ताकि वो अपने अच्छे से ग्रोथ कर सके शेड के लिए ठीक है सपोर्ट के लिए ट्रीज़ का यूज़ करते हैं तो बेसिकली हमने इसमें जो पढ़ा मैक्सिमम हमने पढ़ा है इसमें ट्रीज़ के बारे में फॉरेस्ट के बारे में फॉरेस्ट में सिर्फ अकेला ट्रीज फॉरेस्ट नहीं बनाता वहां पे क्या क्या होते हैं डिफरेंट प्लांट्स होते हैं डिफरेंट एनिमल्स होते हैं सॉयल होते हैं और मेनी अदर थिंग्स बहुत सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो मिलकर एक साथ क्या बनाते हैं फॉरेस्ट बनाते हैं आई होप यू यूल हैडरस्ट चिल्ड्रेन ना विल मूव अ हैड विथ आर आंसर्स एंड बिफोर दैट वंस अगेन आई वुड लाइक टू शो यू द क्वेश्चन सो लेट्स मूव अड And let's read the question once again here so here the question is which is the most prominent form of life in a forest just now we have read that prominent form of uh, of life was trees in the forest what is the what is the forest made up of so it is made up of many things which we have discussed that i have written i'll show you just now who all are associated with trees and for what so associated कौन कौन उसके साथ मिला हुआ है कौन कौन उस उसके साथ आता है ट्रीज के साथ जो हमने जस्ट ना पढ़ा है प्लांट्स और क्या करते हैं ये किस लिए एसोसिएट करते हैं इसके साथ किस लिए मिक्सअप होता है दैट्स वी आर गोइंग टू डी ना हैव टू मेक सेंटेंसेस विद कम्युनिटी एंड फॉरेस्ट दैट्स आल्सो वी आर गोइंग टू डू नाउ सो लेट्स मूव अहेड चिल्ड्रन ना योर आंसर स्टार्ट सो आई वॉन्ट चेक हाउ वट यू ऑल हैव लर्न हियर Okay, so it's question and answer time. So I want everybody to just write your answers. If you have already written, just match your answer and check how many of your answers are correct. Let's move ahead now. Your answers are Which is the most prominent form of life in a forest? Okay, now your answer is true. Trees are the most prominent form of life in a forest. वट इज द फॉरेस्ट मेडअप ऑफ फॉरेस्ट कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ लिविंग कॉम्पोनेंट्स लाइक ट्रीज एनिमल्स प्लांट्स एंड अदर लिविंग थिंग्स बट ऑल्सो नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स सच है सोइल वॉटर एंड एयर एंड लैंडफॉम्स एंड ऑल दिस कॉम्पोनेंट्स टुगेदर मेक अप अ फॉरेस्ट मतलब हमें इसकी एक लाइन में बता दिया गया कि सिर्फ अकेला फॉरेस्ट नहीं सिर्फ अकेला फॉरेस्ट uh, में ट्रीज़ नहीं बल्कि उसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक साथ क्या बनाते हैं फॉरेस्ट बनाते हैं सो यू कैन ऐड योर ओन वर्ड्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि सिर्फ अकेला एनिमल्स नहीं वहाँ पे प्लांट्स नहीं बल्कि उसके अलावा नॉन लिविंग थिंग जैसे सॉइल वाटर एयर लैंडफॉर्म्स ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं फॉरेस्ट बनाते हैं बट ऑल दीज वर्ड्स हैव नॉट इन द पैसेज दैट इज वट यू टू टेल राइट सो नो इन नीड टू वरी अबाउट चिल्ड्रेन जस्ट यू नीड टू ऐड आपको क्या ऐड करना इस कंडीशन में फॉरेस्ट कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ लिविंग कॉम्पोनेट्स लाइक ट्रीज एंड एनिमल्स प्लांट्स एंड अदर लिविंग थिंग्स बट ऑल्सो डिफरेंट कॉम्पोनेन्ट्स ओके इफ यू वॉन्ट टू एड दीज डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स यू कैन एड इफ यू डोंट वॉन्ट टू जस्ट मैंशन वॉट ऑल वर्ड्स हैज़ बीन मैंशन इन द पैसेज विच मेक दैट फॉरेस्ट ओके सो Uh, my answer is quite longer. Okay, just make you understand. Okay, just make it to make you understand. So no need to worry if your answers are a little short. Okay, both answers are correct if you have written that what all components uh, comes together and make that forest. Okay, now let's move ahead. Straight, yeah, Here. Uh, okay. So who all are associated with? Trees and for what? Okay, so thousands of uh, other kinds of plants, shrubs, vines, leaves, herbs, and ferns are associated with trees, and these use trees for support, for shade, and for moisture to grow. Okay, so they need actually support, they need shade, and they need moisture so that they could grow themselves okay the next is mix sentences with the given words that is community and forest let's move ahead and solve this question in a easy manner okay the so first question starts with community we must think about the community our community सो इट इज़ माई क्वेश्चन दैट आई हैव मेड ये मेरा आंसर है सो आप अपने आंसर बना सकते हो द कम्युनिटी इज़ नॉट वर्किंग फॉर पुअर ओके सो वी ऑल हैव टू क्रिएट अ न्यू कम्युनिटी टू हेल्प अदर्स सो एनी थिंग कैन भी योर आंसर कुछ भी आप कम्युनिटी से आंसर बना सकते हो ये मैंने ऐसे रैंडम uh, कुछ भी बनाया है तो so, आप ऐसे ही uh, इस वर्ड से कुछ भी आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो ओके फर्स्ट आई गॉट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट द फॉरेस्ट वॉज टू डेंस okay the next sentence i have made actually here the forest was really very dense and so that i got lost in the forest oh my god okay so i got lost in the forest why so uh, that is what i have done so you can write your own answer but you can make your own uh, sentence by the word forest okay and this is uh, it for this class children i hope you all have really enjoyed the uh, session and uh,

उसके लिए आपको क्रिएशन आना चाहिए जैसे आप क्रिएट करो दिमाग में ठीक है अब मुझे बताया गया कि फ़ॉरेस्ट के बारे में मैं फ़ॉरेस्ट के बारे में क्या लिखूँ समझ नहीं आ रहा है कुछ तो आप ऐसा अज्यूम करो आप फॉरेस्ट में हो ना फॉरेस्ट में हो आप फॉरेस्ट में क्या कर सकते हो ठीक है सपोज आप किसी कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हो जस्ट बी योर सेल्फ लाइक दैट ओनली मतलब उनकी तरह सोच के देखना है तो आपको वैसे सेंटेंसेस जरूर मिलेंगे बनाने के लिए और आपको सच में बहुत ईजी हो जाएगा सेंडेंस बनाना इफ़ यूल फाइंड योर सेल्फ देयर अपने आप को जब वहाँ रखोगे तो अपने आप सेंटेंसेस बनेगी ठीक है सो दिस इज़ इट फॉर टू डेज क्लास चिल्ड्रेन एंड आई होप एवरीबडी हैज़ अंडरस्टुड एंड थैंक यू सो मच विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट लेसन एंड विद द नेक्स्ट टॉपिक थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन